Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English spoken class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, पिछली क्लासेज में मैंने आपको पास्ट टेंस के इन्फिनेटिव के बारे में बताया था, तो इन्फिनेटिव के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में भी बताया, प्रेजेंट टेंस के भी सारे टेंसेज में बताया मैंने, और आपको पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज में भी मैंने इन्फिनेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी बताया। तो आज हम सीखेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन, इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि वह खाता रहता है, वह गाता रहता है, इस तरह के सेंटेंसेज आए तो उसको हम कीप ऑन, गो ऑन या रिमेन लगाकर बनाते हैं। इसी तरह से हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में भी बनाएंगे, लेकिन पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स कम। दिस इज द पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, कीप ऑन, गो ऑन एंड रिमेन। तो जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह खेलता रहा, वह खेलता रहा, मतलब इससे मतलब क्या निकलता है कि मैं वहाँ गया था, उसे पुकारा, बट उसने मुझे देखा नहीं, वो खेलता रहा, या वो दिन भर खेलता रहा, या वो 4 बजे के बाद 7 बजे तक खेलता रहा। मीन्स वो खेलता रहा, जो भी काम हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं उसमें हम करता रहा, जाता रहा, खेलता रहा, गाता रहा, इस तरह से हम बोलते हैं और उसको हम इस तरह से बनाते हैं, वह खेलता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तो क्या बनाते हैं, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, दूसरा ही वेंट ऑन प्लेइंग, और तीसरा क्या है, ही रिमेन्ड प्लेइंग। ये 3 फॉर्मेट से बनाने के इस तरह के सेंटेंसेस को, और आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे अगर आपने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सारा टेंस, प्रेजेंट टेंस का आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा आपने उसका, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वे लोग गाते रहे, तो दे kept on singing, they went on singing, या they remained singing। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें, समझना इसको बहुत ही इजी है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस के सारे 4 टेंसेज जो होते हैं एक टेंस में, प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, पास्ट में 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं, तो अगर प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो आपने देखे होंगे, चारों टेंसेज के वीडियो देखे होंगे, तो आपको पास्ट टेंस का कोई भी टेंस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या फ्यूचर टेंस का आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं। हम एक नेगेटिव लेते हैं, वह गाता नहीं रहा, वह गाता नहीं रहा। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड में डिड का इस्तेमाल करते हैं, और डिड का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस में हम फिर कभी उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह गाता नहीं रहा, तो ही डिडंट कीप ऑन सिंगिंग, He didn't go on singing. He didn't remain singing. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। क्या वह गाता रहा, क्या वह खेलता रहा, लिखते हैं। चलो, खेलता रहा। क्या वह खेलता रहा? तो did he keep on playing या did he go on playing या did he remain playing। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं। इसमें बस कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल करना है। और रिमेन, गो ऑन और कीप ऑन का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। वह क्यों खेलता रहा, वह क्यों खेलता रहा? तो व्हाई डिड ही कीप ऑन प्लेइंग। अगर इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में नहीं का भी इस्तेमाल होता, नेगेटिव भी आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में नहीं का भी इस्तेमाल होता है, फिर यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिडंट ही कीप ऑन प्लेइंग या व्हाई डिड ही नॉट कीप ऑन प्लेइंग। हम एक और वैसा भी बना लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दूसरा है व्हाई डिड He go on playing. तीसरा, why did he remain playing? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसमें नहीं लगाकर बनाते हैं कि वह क्यों नहीं खेलता रहा। वह क्यों नहीं खेलता रहा, हम लिख देते हैं वह क्यों नहीं खेलता रहा। ठीक है, तो व्हाई डिड ही नॉट कीप ऑन प्लेइंग। सिंपल है। मीन्स नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अगर नहीं का इस्तेमाल होता है, नहीं रहता है, फिर उसको हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं या शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्हाई डिडंट ही कीप ऑन प्लेइंग। बहुत ही इजी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो हम इसमें कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बताया आपको कि वह गाता रहा, खाता रहा, खेलता रहा, वे लोग पेड़ काटते रहे, वह नदी में नहाता रहा, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें हम गो ऑन, कीप ऑन और रिमेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, जाते जाते मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।